मुस्लिम जमात अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के सदर हाजी सलीम चौधरी के नेतृत्व में 2017 से लेकर अब तक कौम की खिदमत के लिए किए गए कामों में जामा मस्जिद खुंटोली की 3 मंजिला मस्जिद की तामीर का काम बड़े ही शानदार तरीके से मुकम्मल किया गया। हजरत गैबन शाह वली की दरगाह के इहाते का काम और दरगाह के शानदार गेट के साथ दरगाह से लगकर खूबसूरत नई मस्जिद तामीर की गई और आज भी उस मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाने और लोगों की सहूलत के लिए ऊपरी मंजिल का काम बड़े जोरों शोर से जारी है। इसके साथ ही आम जनता के लिए दरगाह से लगकर ही एक क्लिनिक शुरू किया गया जिसमें बहुत ही कम फीस में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इस क्लिनिक से अंबरनाथ की आवाम बहुत फ़ायदा उठा रही है। इसके साथ कैलाश नगर मदीना मस्जिद के गेट का काम और मस्जिद को खूबसूरत बनाकर नमाजियों को सहूलत पहुंचाने में मुस्लिम जमात अंबरनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वक्त वक्त पर मुस्लिम जमात अंबरनाथ की आवाम के लिए बेहतरी वाले काम अंजाम देती आ रही है। ये सारे नेक काम मुस्लिम जमात अंबरनाथ के सदर हाजी सलीम चौधरी साहब की निगरानी में मुकम्मल हुए हैं, ऐसा मुस्लिम जमात अंबरनाथ के सदर हाजी सलीम चौधरी का कहना है। इसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम जमात ने इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम रखा है जिसमें गरीब आवाम के बच्चों का निकाह मुफ्त में करवाया जाएगा। इस इज्तिमाई निकाह में वो वालदैन जो अपने बच्चों का निकाह करवाना चाहते हैं वो 30 जनवरी 2024 तक ईदगाह मैदान अंबरनाथ मुस्लिम जमात के ऑफिस में आकर अपनी मालूमात दर्ज करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ियों का नाम दर्ज करवाकर मुस्लिम जमात अंबरनाथ ट्रस्ट के इस नेक काम में शामिल होकर जमात को अपनी खिदमत का मौका दें। खादिम मुस्लिम जमात अंबरनाथ, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आज का संदेश को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अंबरनाथ शहर में एक अच्छा चैनल चल रहा है और आज मुस्लिम जमात के ऑफिस में आए हैं उससे मुलाकात करने के लिए। मैं तमाम इनस भाई का, दोनों इनस भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ, टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुस्लिम जमात की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम जमात अंबरनाथ 2017 में मुस्लिम जमात के इलेक्शन हुए थे, हमारी पूरी टीम चुन के कमेटी को चुन के आई थी। मुस्लिम जमात आने के बाद दरगाह शरीफ पर नई मस्जिद तामीर हुई, मदीना मस्जिद में गेट का काम, कब्रिस्तान का और बच्चों के वहाँ पर एक मदरसा कायम हुआ मस्जिद में बरकात, 45 बच्चे को वहाँ पर कपड़ा खाना पीना फ्री है, वहाँ के मौजूद के 34,500 रुपये हर महीना तनख्वाह है और उसके बाद वहाँ पर 9 बच्चे पुराने हाफिज हुए, 6 तारीख को दस्तारबंदी रखी गई है। मदीना की बरकत मुस्लिम जमात अंबरनाथ की जानिब से पहली बार अंबरनाथ में बहुत से मदरसे चलते हैं, मगर मुस्लिम जमात अंबरनाथ से मदरसा कायम करने के बाद 9 बच्चे 2 साल में कंप्लीट पुराने हाफिज हुए। ये अंबरनाथ के मुसलमानों के लिए, कौम के लिए, सभी जाति धर्म के लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है और उनको सभी को स्वभाव के दायरे मिलेगा। उसके बाद मुस्लिम जमात अंबरनाथ ईद मिलाद का जुलूस बड़े पैमाने पर निकालती है। हजरत गैबन शाह वली का उस मुबारक शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, गैबन शरीफ की जुलूस भी निकाला जाता है जमात के माध्यम से। और गरीब यतीम विवाहों को ईद से पहले उनका तकसीम पैसा जो फितरा जकात तकसीम किया जाता है और मुस्लिम जमात अंबरनाथ घर घरेलू मसाइल के मसले मसाइल भी जमात आसानी से हल करती है। मुस्लिम जमात अंबरनाथ में गैबन शाह को पोली क्लिनिक 50 रुपये में 3 दिन की दवाई फ्री दी जाती है, वो यहाँ पर उनका भी यहाँ पर पूरा इलाज किया जाता है और किसी का बड़ा ऑपरेशन रहा उसको भी यहाँ से हेल्प करते हैं। जमात गोर गरीबी और गरीबी की शादी वगैरह के लिए भी मदद करती है। और मुस्लिम जमात अंबरनाथ 11 तारीख को 12 फरवरी को मुस्लिम जमात की तरफ से फ्री में फॉर्म फ्री, सामान फ्री, जहेज का सामान फ्री, दूल्हा दुल्हन को खाना पीना सब फ्री का इंतजाम किया गया है। जिन हजरात को इस जोड़े में इस मिलाव में इस तरह में शादी भी करना है तो मुस्लिम जमात के ऑफिस पे नाम लिखवा कर फॉर्म भरकर 11 फरवरी को शादी होगी फ्री में किया जाएगा। मुस्लिम जमात अंबरनाथ जामा मस्जिद का काम, गेट का, दीवार का कंप्लीट काम, अपन मीनार टूट गए थे मीनार का काम हुआ और यहाँ पर मुस्लिम जमात अंबरनाथ दरगाह का सहन और पूरा सहन तैयार हुआ, पूरा एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम लिया, हम तो इस लायक नहीं है। एक मुस्लिम खादिम होते हुए पूरी टीम, जमात की पूरी टीम ने, जमात के पूरे नुमाइंदों ने, अवाम ने साथ दिया। मैं अवाम का
लोगों का और जो 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 ताउन किया उनका भी शुक्र अदा करता हूँ और जो इस पर हिस्सा लिया है उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। ये जमात मुस्लिम जमात जमात ये हमारी अपनी जमात नहीं, ये पूरी कौम की जमात है जिसको पूरे 75 साल हो गए। 1949 में रजिस्टर्ड हो गए या आज 75 साल हो गया है इस जमात के माध्यम से। बहुत से ऐसी आपके चैनल में भी किसी ने एक वीडियो डाला था कि भाई मुस्लिम जमात में ये चला है वो चला है, ये भी अफवाह है। जमात का पूरा 6 साल का ऑडिट रेडी है। जिन किसी को कुछ तकलीफ है कुछ पूछता है जमात ऑफिस पर अर्जी दे सकते हैं, जमात के नुमाइंदे से मिल सकते हैं, खादिम से रब्ता कायम कर सकते हैं। अफवाह पर ध्यान ना दे क्योंकि जो काम करते हैं तो उसमें थोड़ा कीचड़ तो उछलता ही है, वही उछल थोड़ा कीचड़ उछलना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर सो भी अच्छा बोला तो ख़राब होता है। तो इसीलिए अल्लाह का एहसान है कि मुस्लिम जमात अंबरनाथ ये पूरी अवाम की जमात है और बहुत अच्छा काम यहाँ पर अल्लाह ने हमसे लिया। कब्रस्तान का काम है, जामा मस्जिद का है, मदीना मस्जिद है, दरगाह पर एक मस्जिद तामीर हुई है, ईदगाह का काम हुआ है। उसके अलावा कब्रस्तान के अंदर बाकायदा सब मट्टी डाली गई, फरल ब्लॉक हुआ, रूम लगाए और अभी मशीन लाए को मैयत रखने के लिए। अभी कल ही हाल में परसों के दिन पूरे मस्जिद के अंदर इन्वर्टर फिट किए, 70,000 रुपये का इन्वर्टर आया, वो काम जमात ने करी है। एक 50,000 का एक हमारे दोस्त ने वह मैयत रखने का सामान जो इन्वर्टर होता है अपने उसमें रखते हैं मैयत को रखने के लिए, उसका इंतजाम जमात के माध्यम से हुआ है। जमात बहुत काम कर रही है। इसके अंदर हमारे टीम के अंदर पूरी टीम जो है काम कर रही है। हमारे टीम में आरिफ काजी, यूसुफ शेख, असलम शेख, रेस खान साहब, मकबूल खान, चांद भाई, अब डॉक्टर जुबेर, डॉक्टर जावेद, कताल मामून और सिकंदर कुरैशी, पूरी टीम काम कर रही है। और उसके साथ में हमारे नुमाइंदे हैं, खादिम लोग हैं, इमाम लोग हैं, मदीना मस्जिद के जैन मोहम्मद साहब है, नाजिम आलाय मदरसे के हो और यहाँ पर नौशाद आलम दरगाह मस्जिद के, अमीन रजा जामा मस्जिद के, इमाम बांगी मुजावर, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरे खादिम काम कर रहे हैं, उस पर जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जमात से, वॉलंटियर से हज़ारों वॉलंटियर्स जमात के पास है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुस्लिम जमात का अंबरनाथ का हम चाहते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन हो और ये वक्त बोर्ड ने लेना चाहिए। हम तो रेडी है, हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन के लिए। जब भी आवाज़ देंगे वक्त बोर्ड, हमारे पूरे मेंबर्स तैयार है और जिसको मेंबर बनना है जमात ऑफिस पर आकर फॉर्म भरे और मेंबर बने और मेंबर बन के जमात को आए। जमात ये मुस्लिम जमात पूरी कौम अवाम की जमात है, इसमें किसी को कोई शिकायत हो वो आके मिल सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं। और ये जमात जमात के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें खाना पीना सब फ्री होगा, फार्म का भी फ्री होगा, दूल्हा को जायज़ दिया जाता है वो भी फ्री में जमात की काम से दिया जाएगा। ये आपके जहन में सर कभी आए कि भाई यही साल रखे आपने, इतने साल गुजर गए? नहीं, ये हमारे जहन में नहीं आता, ये अल्लाह का फर्ज होता है, अल्लाह ताला दिमाग में डालता है। और ये शहन साहब देवन शौरी जो है ये इनका इशारा होता, हमारा कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि भाई ये हुए। हम तो चाहते हैं एक दिन 10 इस्तेमाल में शादी हो, सब अपने अमरनाथ की बच्चियाँ घरों में है उसका इस्तेमाल फ्री में हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला उनको और लोगों को खिदमत दे, और लोग 2 हो गए या 4 हो 6 हो जाए, हमेशा इस्तेमाल शादी हो। बच्चे जो घरों में है जो शादी के लायक, जो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि दवाई को 50 रुपये नहीं रहता है तो क्योंकि बच्चे को शादी करने 1,00,000 रुपये खर्चा आता है। तो जमात ने सोची है कि भाई उनका बच्ची घरों में शादी है तो शादी होगा तो चला जाएगी, बैंक ही चला जाएगी। तो अभी इस्तेमाई शादी हमेशा कायम करने वाले इस्तेमाई शादी तो गबन शादी सरकार ने जो कायम की है ये हमेशा कायम ही रहेगा। हम रहे ना रहे ये सिलसिला कायम रहेगा। हमारा मकसद जमात को मजबूत करना है, हमारा मकसद किसी के ऊपर टीका नहीं, किसी के ऊपर ये नहीं। किसी कोई शिकायत है वो जमात के ऑफिस में आ सकता है, लेटर दे सकता है, अर्जी से उसको पूरा बाकायदा जवाब दिया जाएगा, सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारे पास पूरे ऑडिट रेडी है, हिसाब किताब रेडी है, हर चीज़ रेडी है। खाली पीछे कोई बोला ये बोलने से नहीं चलता है, वो क्योंकि प्रूफ लगते हैं, एडवाइस लगते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि सलीम चौधरी को बताओ 1 रुपया प्रूफ के सलीम चौधरी ने किसी घर में या किसी से लिया हो खाया हो तो मैं 10 लाख रुपये सुनूंगा। खानों वालों में से अल्लाह का एहसान है, उसमें बाटों वालों ने हमको रखा है, उसका लाख शुक्र है। जो अभी हसद करते हैं, मुखालिफत करते हैं, मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरी मुखालिफ करना भी मेरे लिए अच्छा इसलिए है कि मेरी तारीफ होती है उसमें। अगर सो भी अच्छा बोले तो अल्लाह के सो भी अच्छा बोले तो कैसा होगा, बुरा हो जाता है। इसलिए पुराने फिर गौसा तो अगर सभी बंदे अच्छा बोले समझना वो ख़राब है। अब हमारी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाई, अल्लाह का ऐसा, अल्लाह हमसे काम लिया, हमारे औकात हम क्या काम कर सकते हैं। ये अल्लाह ने पूरी टीम का आज हमारी ओपीडी में यूसुफ शेख इंचार्ज वो काम कर रहे हैं, चांद भाई इंचार्ज काम कर रहे हैं, सिकंदर पुलिस काम कर रहे हैं जामा मस्जिद में, सिकंदर पटेल हमारे मदीना मस्जिद की जिम्मेदारी काम
हर आदमी को हम काम दिया है, हमारे सेक्रेटरी हबीब सौदा का काम कर रहे हैं, हर टीम को हमने काम बांटा है, काम बांटने के साथ ही काम अल्लाह की तरफ से दुआओं से बुजुर्गों की दुआओं से काम हो रहा है। अभी यहाँ पर इज्तेमाई प्रोग्राम है 26-27 को प्रोग्राम है साना नाना का, फिर 27-28-29 को खानका वालों का, 22 फरवरी को प्रोग्राम है, ये दरगाह पे दीनी प्रोग्राम इज्तेमाई ये वो बहुत एक अच्छा अमरनाथ में जो बना है, ये अमरनाथ के लोगों ने ताउन किया, लोगों ने माना जाना क्या वाकई में अमरनाथ में अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम होने से लोग सपोर्ट किए करके इतनी आज करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी जमात की बन गई। और एक और एक बात बता दूँ, हमको एक एक कब्रस्तान जामुन फाटे में मिला है जमात की तरफ आदम से, जिसकी कीमत 8-10 करोड़ रुपया है, वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह तावा मिल जाएगा जमात को, कौम को मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। कब्रस्तान जामुन फाटा 130 नंबर जामुन फाटे में मुस्लिम कब्रस्तान बाजी के नगर ने अलाउ किया है, इसलिए मैं उनका भी ऑपरेटिव का म्यूनसिपाली का सफाई वाले प्रोडिशन भी मदद करते हैं मुस्लिम जमात की आवाज़ पूरी अवाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।